सैराट की अभिनेत्री रिंकुओं ने 66% अंकों के साथ 10वीं पास की। समूचे राज्य और फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध 17 वर्षीय रिंकू ने मंगलवार को जारी हुए परीक्षण परिणामों में हिंदी में 87, मराठी में 83 और अंग्रेजी में 59 अंक हासिल किए हैं। मुंबई मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट में अपने किरदार के लिए 2015 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन हासिल करने वाली प्रेरणा एम राजगुरु उर्फ रिंकुओं ने 66.40% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। समूचे राज्य और फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध 17 वर्षीय रिंकू ने मंगलवार को जारी हुए परीक्षण परिणामों में हिंदी में 87, मराठी में 83 और अंग्रेजी में 59 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के पुणे मंडल से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 42, गणित में 48 और समाजशास्त्र में 50 अंक हासिल कर कुल 500 अंकों में 66.40% हासिल किया है। करीब 14 वर्षीय स्कूली छात्रा रिंकू को 2014 में निर्देशक नागराज मंजुले ने फिल्म सैराट के लिए चयनित किया था। SSCE 2017 की परीक्षा में 17,00,000 छात्र शामिल हुए थे। इस साल 88.74% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिनमें 193 विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट के नतीजे घोषित करने की अनुमति दी। नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की BSc कोर्स स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट 2017 के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट 2017 के नतीजे घोषित करने पर CBSE पर रोक लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को नीट 2017 सेकंड संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करने को कहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के 24 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति पंत ने कहा, उच्च न्यायालय को इसकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। शीर्ष न्यायालय के इस आदेश के बाद देश में 56,000 सीटों के लिए काउंसलिंग और प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कार्यक्रम की अवहेलना है। पीठ ने CBSE और याचिकाकर्ताओं नमिता सिब्बल और अपूर्व अतुल जोशी की याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने के बाद मामले को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि CBSE को तय कार्यक्रम के अनुसार नीट का परिणाम 8 मई तक घोषित करना था।